दोस्तों अंताक्षरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अंताक्षरी खेलने के तरीके आपको शायद पता होंगे, लेकिन ये जो अंताक्षरी खेलते हैं उसमें थोड़ा सा अलग है और ट्विस्ट है। अब अलग और ट्विस्ट कैसे है ये हम आपको बताएंगे। अंताक्षरी खेलने का तरीका कैसा है और इसमें कौन सी कैटेगरीज हैं जो आपको हम बताएंगे, आपको उस तरीके से इसको खेलना है। अब पहला जो तरीका है वो है गाते रहो, उसके बाद मुझे गाओ, उसके बाद पहचानो, उसके बाद धुन पहचाने, और उसके बाद दम शरास, और आखिर में आता है गाओ तो जाने। अब उसके बाद हम पहले आपको बताएंगे गाते रहो में क्या आता है। गाते रहो में तीन टाइप्स होते हैं, जैसे एक सिंपली सॉन्ग होता है जैसे हम ओल्ड अंताक्षरी खेलते थे जिसमें हम गाने का जो एंड लेटर रुकता था, जैसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है इसका एंड लेटर है, तो है से हम दूसरा गाना शुरू करते थे, वैसे सिंपल अंताक्षरी खेली जाती थी, उसको बोलते हैं सिंपल वे ऑफ अंताक्षरी। अब दूसरा जो है वो है थीम। थीम कैसे होता है, अब जैसे माहौल है सेड, तो आप उसमें सेट सॉन्ग्स को गाएंगे। अब माहौल है शादी का तो आप शादी के गाने गाएंगे, और वैसा ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको माहौल के हिसाब से गाना है। ये हो गया थीम्स। अब थर्ड जो है वो है रैपिड। रैपिड में क्या होगा, जैसे एक कोई न्यू हम गाना गाएंगे उसमें से आपको कोई भी वर्ड उठाना है। अब जैसे मैंने गाना गा लिया कि ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम महबूब, अब महबूब आया तो कोई महबूब ले सकता है, उनका ले सकता है, काम ले सकता है, मैं लेंगी महबूब, तो मैं लेंगी कि महबूबा ओ महबूबा, मतलब ऐसे आपको वर्ड्स उठाने हैं उस गाने में। तो ये हो गए तीनों टाइप्स। अब दोस्तों मुझे गाओ में कैसे होगा, टेक माय हेल्प टू सिंग। अब मैं आपको इसका एग्जांपल एक बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक क्लू दिया है और ये क्लू आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे आप क्लू में क्या देख रहे हैं, यहाँ क्लू में आपको दिख रहा है कि ये कंगन है। अब आप इसको कंगन चूरी ये सब बोल सकते हैं। अब इस पर आपको कोई भी गाना गाना है, जैसे कंगन का है तो उस पर आप कौन सा गाना गाओगे, जैसे चूरी मज़ा न देगी कंगन मज़ा न देगी, ऐसा कोई गाना है जैसे आप इसके बेस पर गा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमारा जो था ये था क्लू ट्रायल जो आपको हमने दिखाया, तो आपको इसको इस तरीके से खेलना है। अब जो है वो है पहचानो, आइडेंटिफाई मी, यानी मुझे पहचानो का अब आपको बताएंगे। इसमें जो होगा ना, इसमें होगा पहले होगा मूवी, किसी भी मूवी का आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसको आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मूवी का है। अब ये जो मूवी है, अब आपको पता है कि ये कौन सी मूवी है, ये है पा मूवी। तो वैसे मैंने आपको मूवी का एक पिक्चर दिखा दिया, आपको उसको गैस करना है, उसका नाम बताना है, सिंपल। सेकंड क्या आएगा, आएगा सॉन्ग, यूजिंग मूवी सॉन्ग। अब सॉन्ग जो है यहाँ पे हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं कि ये सॉन्ग कौन सी मूवी का है, तो आपको इसका नाम पहचाना है। अब जैसे इसका नाम है अखियों से गोली मारे, तो ये इसका नाम है सॉन्ग का। अब उसके बाद है एक सॉन्ग है जिसमें यूजिंग एक्टर एक्ट्रेसेस, जैसे कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा का कौन सा गाना साथ में था, तो जिसमें आप सोचेंगे अब इसका कौन सा गाना था इन दोनों का जो पिक्चराइज हुआ था, तो आपको यही इसमें एक मज़ा है, इसमें फ़न है कि आपको सोचना है, याद करना है, आपको ढूंढना है कि इन दोनों का कौन सा सॉन्ग था। तो सॉन्ग है कि तूने तो पल भर में, ये वाला एक गाना है। अब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यूजिंग सिंगर अरिजीत सिंह। अब अरिजीत सिंह का कोई भी गाना आपको गाना है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि अरिजीत सिंह के इतने सारे गाने हैं, हम कोई भी गाना गा सकते हैं। नेक्स्ट अभी आपको यूजिंग सिंगर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस। अब जैसे कि रणवीर कपूर प्लस आतिफ असलम, अब रणवीर कपूर का कौन सा गाना है जो आतिफ असलम ने गाया है,
ये आपको पेयरिंग करके बताना है, जैसे कि कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। अब ये है रणवीर कपूर और आतिफ असलम का गाना, जो गाया था आतिफ असलम ने और पिक्चराइज हुआ रणवीर कपूर में, उन्होंने एक्टिंग की थी उस पर। अब तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है वो है धुन पहचानो, यानी कि ट्यून माय टून। अब वो कैसे है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैं एक धुन बजाऊँगी, दोस्तों ये जो मैंने धुन बजाई, अब ये धुन तो सबको पता है क्योंकि ये नया ही गाना आया है, तो सबको पता है कि माही मैनू छड़ेओ ना के तेरे बिना दिल नहीं लगना। तो ये आपको धुन को पहचानने वाला गेम है, जिसमें धुन को पहचानने, अब आपको कोई भी म्यूज़िक हम दे सकते हैं, सिर्फ म्यूज़िक चलेगी, उसके बाद आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है, सिंपल इज़ दैट। अब जो नेक्स्ट है वो है दमशराज। अब दमशराज तो सबको पता है क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार गेम है, जिसमें आता है पिक्चर और सॉन्ग। या तो आपको सॉन्ग की एक्टिंग करनी है या तो आपको पिक्चर के नाम की एक्टिंग करनी है। अब जैसे कि कभी खुशी कभी गम, ये मैंने पिक्चर का नाम दे दिया, ऑपोजिट वाली टीम में से कोई आएगा, वो क्लू का एक्टिंग करेगा, फिर वो उसको अपनी टीम को समझाना है, फिर अगर उन्होंने राइट गैस कर लिया तो वो उनको मिल जाएगा, यानी कि वो पॉइंट्स जीत लेंगे। अब जो है वो है गाओ तो जाने। अब उसमें कैसे है डेयर टू, उसमें कैसे है गाओ तो जाने में आएगा कि डेयर टू सिंग मी इफ़ यू कैन। अब कैसे, अब यहाँ पे मैंने क्लू दिया है आपको, अब ये क्लू कैसे है, ये जो जग है ये घूम रहा है, तो अब आप बताओ नो वन लाइक योर्स, यानी कि इसका गाना कौन सा है और आपको इसको इसके क्लू को पहचानना है। अब ये यहाँ पे जग घूम रहा था, तो सिंपल सी बात है, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई, नो वन लाइक योर्स, यहाँ पे आपको क्लू दिए गए हैं, तो ये सिंपल से क्लू आपको मिल जाएंगे, इसको खेलने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये इस गाने का नाम था जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई। तो बहुत मज़ेदार है ये गेम, आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी गेम और आप इसको ज़रूर खेलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।